अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल हरीम रकीम ट्रैवल्स। आज मैं सफ़र कर रहा हूँ जी, आज ट्रैवल में कर रहा हूँ चिन्योट से सांगला हिल। चिन्योट से सांगला हिल कोई ऐसी मेन रोड नहीं है, एक लोकल सी सड़क है। और वो जो बड़े शहर हैं यानी फैसलाबाद, सरगोधा या लाहौर या इस तरह जंग वगैरह, इन रोडों से बिल्कुल हट के है। एक लिंक रोड निकलता है चिन्योट से, चिन्योट तहसील चौक से अगर आप जाएं पिंडी बटियाँ रोड पे या लाहौर रोड पे, तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे जाके तो राइट साइड पे निकलता है साइयां वाला रोड, उसको कहते हैं। और वो सीधा जाता है जनाब जो साइयां वाला इंटरचेंज है, जो फैसलाबाद लाहौर मोटरवे जो है या फैसलाबाद इस्लामाबाद मोटरवे है, वो उस मोटरवे को का जो इंटरचेंज है वो भी ये वाला जो रोड है उसी इंटरचेंज पे जाके मिलता है। और यही जो सड़क है फिर आगे सीधी निकल जाती है, आगे जो एक्सप्रेस वे है फैसलाबाद एक्सप्रेस वे उसके साथ मिल जाती है। और वो एक्सप्रेस वे जो है वो सीधी फैसलाबाद जाकर किनाल रोड पे, गटवाला के करीब किनाल रोड के साथ लिंक हो जाती है। तो ये जी रोड जा रहा है, ये सड़क पहले तो काफ़ी टूट फूट का शिकार रही है काफ़ी साल तक। तो अभी ये सड़क जो है ये हाल ही में बनी है दोबारा, इस पर बजरी वगैरह लोकशिप डाल के इन्होंने ये कदरे बेहतर कर दी है। तकरीबन 1-1.5 माह पहले ये मुकम्मल हुई है। और इस रोड पे अब पीछे जो बाईपास गुजरा है ना, जहाँ से ये वीडियो स्टार्ट हुई है, बाईपास चौक था वो, इसका चिन्योट शहर का बाईपास जो निकलता है, वहाँ पे पुलिस वाले बैठे थे। मेरा ख्याल है कि वो ट्रकों वगैरह को या जो हैवी ट्रैफिक है ना उसको इस रोड पे नहीं आने दे रहे, क्योंकि ट्रकों वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा लोड होता है और वो जब इस पे आते हैं शॉर्टकट रास्ता वो इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। जो चिन्योट से जिन्होंने जाना होता है आगे शाहकोट या शेखुपुरा या ननकाना साहब, तो वो फिर फैसलाबाद जाने की बजाय ये वाला शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करते हैं। ये सीधी सड़क जाकर कोडियाँ वाला भी निकलती है और शाहकोट भी निकलती है। तो अब जो है कि सड़क तभी बचेगी जब हैवी ट्रैफिक जो है, ट्रक डंपर वगैरह जो है वो इस पर, ये वाली डिंगरू नहर है जी, डिंगरू नहर जो फैसलाबाद से अगर आप सरगोधा की तरफ जाते हैं तो रास्ते में चिन्योट से पहले, या अगर आप सरगोधा की तरफ से आएँ फैसलाबाद तो चिन्योट के बाद आती है डिंगरू नहर, रास्ते में ये वही वाली नहर अभी गुजरी है। ये 2-3 गाँव ही छोटे छोटे आते हैं रास्ते में, यहाँ पे आके ये जो है नहर गुजर के तकरीबन 4-5 किलोमीटर के बाद ये डबल सड़क हो जाती है, वन वे रोड है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट बनी हुई है फैसलाबाद की, जो परवेज जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में ये मंजूर हुई थी। और उसके बाद इर्द गिर्द जो हैं वो चंद एक फैक्ट्रियाँ अभी बनी हैं और मज़ीद कुछ ज़ेर तमीर हैं बन रही हैं, और ये जो है उन फैक्ट्रियों के लिए ये स्पेशल रोड बनाया गया है। ये इसी तरह जाकर मोटरवे के ऊपर से गुजरता है, साइयां वाला जो मोटरवे है उसके ऊपर से गुजरकर और आगे जाकर ये मिल जाती है जो फैसलाबाद एक्सप्रेसवे है उसके साथ मिल जाती है, और फिर सीधी वो निकल जाती है जैसे मैंने पहले बताया कि गटवाला के मुकाम पर, फैसलाबाद में गटवाला के मुकाम पर ये जाके केनाल रोड के साथ लिंक कर जाती है। ये जो भी वैगन आगे आप देख रहे हैं गुजरी है, ये लाहौर जा रही है चिन्योट से लाहौर, लेकिन चूंकि चिन्योट से पिंडी पटियाँ रोड जो है वो थोड़ा सा ज़ेर तमीर है, ख़राब है, तो इधर से उनको नज़दीक पड़ता है। ये वाली मोटर है, मोटरवे आ गई है, यहाँ पे आके वो फिर मोटरवे पे चढ़ जाते हैं। ये दाई साइड को मुड़े तो लाहौर की जानब, और अगर ये सामने जो पुल आ रहा है मोटरवे का इसके ऊपर से क्रॉस करके आप मोटरवे पे चढ़ते हैं तो फिर फैसलाबाद और आगे गुजरा मुल्तान सक्कर हैदराबाद तक ये जाती है मोटरवे। ये है वो मोटरवे, फैसलाबाद मोटरवे जो है, जो ये M2 से लिंक कर जाती है जाके पिंडी भटियाँ के मकाम पर। तो ये सीधा जो रोड जा रहा है वो सामने जो आपको सड़क नज़र आ रही सीधी जा रही, ये सीधी जा रही है फैसलाबाद एक्सप्रेस वे है, और बड़ी खूबसूरत सड़क बनी है, कारपेट रोड है। और ये दाई साइड पे सारी फैसलाबाद की इंडस्ट्रियल इस्टेट है, और
मैं यहाँ से मुड़ जाऊँगा बाएँ जानब, ये जिस तरफ ट्रैक्टर ट्राली जा रही है, ये साइयां वाला इंटरचेंज उतरते ही ये छोटे मोटे होटल छोटल ढाबे वगैरह बने हुए हैं यहाँ पर। फिर ये ट्रकों वाले और बाज़ जो हैं डंपर वगैरह या गाड़ियों वाले जो हैं यहाँ पे स्टॉप करते हैं चाय शाय पीने के लिए। तो ये सीधा है वो सामने आपको अभी नज़र आ जाएगा। टूल प्लाजा है मोटरवे का, वो सामने नज़र आ रहा है। तो इधर से आप चढ़ के फैसलाबाद, गुजरा, मुल्तान आगे तक जा सकते हैं। और मैं यहाँ से दाएं जानब मुड़ जाऊँगा, ये ट्रक आगे खड़ा हो गया आके। ये वाली सड़क निकलती है, ये सिंगल रोड है, कारपेट रोड है। वैसे जो इसका असल रोड है, अगर मैं सीधा चला जाता वहाँ एक्सप्रेस वे पे, तो आगे जाके वो जो निकलता है चक जुमरा से सांगला हिल रोड, वहाँ पे जाके मैंने उतरना था। लेकिन ये एक सिंगल सड़क है, लेकिन है कारपेट रोड है और बड़ी साफ़ सुथरी सड़क है। ये सलार वाला के करीब, जिसका नया नाम दारुल एहसान भी है, वहाँ पे जाके ये लिंक कर जाएगी जो फैसलाबाद सांगला हिल रोड है उसके साथ। ये कारपेट रोड है, बड़ी अच्छी सड़क है, साफ़ सुथरी सड़क है, सिंगल है। और इसके दोनों साइडों पे वो बारिशें आने की वजह से बाज़ जगहों पे ना खड्डे से पड़े हुए हैं, तो बड़ी एहतियात से क्रॉसिंग करनी पड़ती है या सड़क से नीचे उतरना पड़ता है। न्योट से सांगला हिल का सफ़र तकरीबन है 60 किलोमीटर के करीब है, 57 या 58 किलोमीटर है तकरीबन। ये है जी रेलवे लाइन जो फैसलाबाद से इधर को लाहौर को जा रही है, दाएँ जानब फैसलाबाद को जा रही है और बाएँ जानब लाहौर। ये रोड भी सामने है, फैसलाबाद सांगला रोड, दाएँ जानब फैसलाबाद है और ये जिस तरह मैं मुड़ गया हूँ ये जा रहा है सांगला हिल रोड। ये आ गया है जी सालार वाला, पुराना नाम इसका सालार वाला है और इसका नया नाम दारुल एहसान है। ये दाएं जानब आपको मार्केटें नज़र आ रही हैं, बिल्कुल इसी तरफ ये बाएं, इसी तरह ही ये बाएं जानब भी मार्केटें थी तकरीबन 3-4 साल पहले तक। तो ये नाजायज़ कब्ज़ा करके बनाई हुई थी रेलवे की जगह पे। तो ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान के दौर में शायद ये नाजायज़ कब्ज़ा जो है ये वागजार करवा के और इस जगह को खाली करवाया गया है। जिस तरह ये दाएं जानब मार्केट है ना, बिल्कुल इसी तरह ये बाएं जानब भी मार्केट थी, तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबी थी। ये सामने चौक आ गया, यहाँ इस चौक से अगर आप दाएं जानब जो रोड निकल रहा है ये जा रहा है सीधा शाहकोट, और ये वाला जो है ये जो टर्न लेके तो सीधा निकल जाएगा सांगला हिल। ये जो फैसलाबाद से रोड निकलता है सांगला हिल रोड, या इसको कह लें कि चक जुमरा रोड, चक जुमरा तहसील है फैसलाबाद की, और फैसलाबाद से चक जुमरा तक वन वे रोड है, डबल सड़क है और बहुत ही बेहतरीन सड़क है एक्सप्रेस वे जैसी। तो ये जी सांगला हिल आ चुका है, सांगला हिल की शुरुआत हो चुकी है। सांगला हिल सब तहसील है ज़िला ननकाना सिंह की, ज़िला ननकाना सिंह है, उसकी तहसील शाहकोट है और तहसील सफदराबाद भी शायद ननकाना ज़िला में आती है।
तो बस जी आज की वीडियो में इतना ही। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको सांगला हिल शहर की थोड़ी सी सैर करवाऊँगा।